अब बस किसी भी वक्त। एप्पल बकिंग डे ऑफिशियली शुरू हो गया है। जरा इन सारे एप्पल्स को तो देखो, पके हुए और रस से भरे, तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। ये सब आखिर हो क्या रहा है? वो लौट आए। My little pony. एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। अटेंशन, ये स्वीट एप्पल एकर्स कोड रेड है। मुझे सारे हूव्स और क्लॉज की यहाँ जरूरत है। शांत हो जाओ एप्पल जैक। शांत हो जाओ? ऐसे वक्त में शांत कैसे हो सकती हूँ मैं? वैम्पायर फ्रूट बैट्स ने स्वीट एप्पल एकर्स में हमला कर दिया है। पर मुझे तो लगता था कि फ्रूट बैट्स सिर्फ साउथ में ही होते हैं। फ्रूट बैट्स वहीं रहते हैं, लेकिन ये कोई आम फ्रूट बैट्स की तरह नहीं है। ये तो है वैम्पायर फ्रूट बैट्स। अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे ब्लू रिबन एप्पल तक पहुँच सकते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये एप्पल स्टेट फेयर के प्रोड्यूस कॉम्पिटिशन में हमारी ऑफिशियल एंट्री है। पता है किसी एप्पल को इतना बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है? एप्पल जैक, जब तुम कुछ बड़ा सोचती हो तो वो सच में बड़ा होता है। वो वैम्पायर बैट्स इस एप्पल को किसी किशमिश की तरह निचोड़ देंगे। ओह, अगर हम उन्हें समझा दें कि ये एप्पल तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है तो शायद वो इसे अकेला छोड़ देंगे। हाँ जरूर, कोशिश करके देखो। माफ करना मिस्टर वैम्पायर बैट, मैं बस सोच रही थी कि क्या आप उस बड़े से एप्पल से दूर रह सकते हो? Well, क्या कहा उन्होंने? हाँ, पर ये ना भी हो सकता है। मैं पहली बार किसी वैम्पायर फ्रूट बैट से बात कर रही हूँ। Well, मुझे इनकी भाषा समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और इस दौरान ये बदमाश और इसके चुटकू दोस्त मिलकर मेरे प्यारे एप्पल का सफाया कर देंगे और साथ ही बगीचे के सारे एप्पल्स का भी। ये वैम्पायर बैट्स राक्षस है और कुछ नहीं। राक्षस? हाँ, शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चमगादड़ से लगता है डर, सेब सारे खाए ये चमकर, वो शायद कभी रुक जाए थककर, दिन भर चलता है ये चक्कर। नहीं है उन्हें कोई परवाह, सारे सेब खराब हो जाए, बस अपनी धुन में वो सेब खाते जाए। देखो मेरी बात सुनो, शायद है तुम्हें गलत फहमी, और मैं कुछ ना कर पाऊँ मुझ में ही होगी कमी। चमगादड़ों के परिवार भी होते हैं हम पोनीज की तरह ही। अब छोड़ो भी बहुत हो भोली, चमगादड़ होते शैतानी, ये बगीचा नहीं इनके खाने की जगह, न सोचे सबको चाहिए क्या, नहीं कभी नहीं, और सच्चाई है यही, ये चमगादड़ है बिल्कुल लालची। मैं तुमसे नहीं हूँ सहमत, परिवार की जाने ये कीमत, फैलाए बीज दूर तक, जब भी चमगादड़ दिखता है भागो। है बड़े बदसूरत, डराए सबको, क्या है हालत मेरे पेड़ों की खुद ही तुम देखो। चमगादड़ों के होने से बढ़त मिलती पेड़ों को, अब कैसे मैं भगाऊं इनको। ना है कोई भी रास्ता इनसे छुटकारा है पाना, मुझको भी लगता है यही चमगादड़ को होगा जाना। बस
हो गया, इनको भगाना है, ना कोई रास्ता है, इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है, छुटकारा हमें पाना है, इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है, इनको हमें भगाना है, इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है, बहुत हो गया इनको जाना है, बस हो गया इनको भगाना है, ना है कोई रास्ता, हमें लड़ना है। माफ करना फ्लटरशाय, पर मुझे लगता है कि एप्पल जैक की बात बिल्कुल सही है। ये वैम्पायर फ्रूट बैट्स सच में बहुत ही घिनौने होते हैं। तो चलो इन्हें भगाएं ताकि ये मेरे बाकी के बगीचे को बर्बाद ना कर सके। फ्रूट बैट्स को भगाओ, फ्रूट बैट्स को भगाओ। माफ करना, पर कैसा रहेगा अगर उन्हें भगाने के बजाय हम उन्हें बगीचे का एक हिस्सा दे दें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि वो भूखे हैं। अगर हम उन्हें घर बनाकर दे दें तो वो तुम्हारे एप्पल्स नहीं खाएंगे, और कुछ देर बाद शायद वो बगीचे में तुम्हारी मदद करेंगे। वैम्पायर बैट्स एप्पल के बीजों को नहीं खाते, और जब वो उन्हें थूकते हैं तो उस जगह पर एप्पल्स के नए पेड़ उगते हैं। सुनो फ्लटरशाय, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वो हर एक सेकंड जो हम उनका घर बनाने में लगाएंगे, उस हर सेकंड में वो मेरे बगीचे को बर्बाद करते रहेंगे। तुम्हें नहीं पता पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो क्या हुआ था। ग्रैनी स्मिथ ने मुझे इतनी कहानियाँ सुनाई है कि सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रैनी स्मिथ कहती है कि उस साल हमने बगीचे के एक बड़े हिस्से को खो दिया था, उन्हें सर्दियों के लिए एप्पल्स को बचा कर रखना पड़ता था। और साइडर का क्या? साइडर तो तब भी बना होगा ना? एक बूंद भी नहीं। साइडर नहीं बना, साइडर नहीं बना। हमें इन मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करके यहाँ से भगाना होगा अभी। आज अगर ग्रैनी स्मिथ एप्पल ब्लूम और बिग मैक के साथ एप्पलूस प्रोड्यूस कॉम्पिटिशन में नहीं गई होती तो वो भी यही कहती। माफ करना फ्लटरशाय, पर एप्पल जैक तो सही कह रही है। काश कि कोई और तरीका होता जिससे कि हम इन्हें एप्पल खाने से रोक पाते। शायद एक तरीका है। तो एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मुझे एक ऐसा जादू मिला है जिसकी मदद से वैम्पायर फ्रूट बैट्स को एप्पल्स का रस पीना भुलाया जा सकता है, पर इस जादू के काम करने के लिए जरूरी है कि बैट्स का पूरा ध्यान सिर्फ मेरी ही तरफ हो। ओह नहीं फ्लटरशाय, मैं चाहती हूँ कि तुम बैट्स पर अपनी नजर का इस्तेमाल करो। ओह गॉश, पता नहीं मैं। प्रॉब्लम क्या है? तुम पहले कई बार नजर का इस्तेमाल कर चुकी हो। हाँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैंने कसम खाई है कि मैं सिर्फ जरूरत के वक्त ही इसका इस्तेमाल करूँगी। मुझे लगता है ये वक्त भी काफी जरूरी है। मुझे भी। जरा साइडर के बारे में सोचो, कम से कम कोई पोनी तो साइडर के बारे में सोचो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता उस चीज को दूर करना जायज है जो वैम्पायर फ्रूट बैट्स को बनाती है। वैम्पायर फ्रूट बैट्स, मुझे ये बहुत गलत लग रहा है। पर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर पोनीविल में किसी के लिए भी एप्पल्स नहीं बचेंगे। क्या ये बात तुम्हें गलत नहीं लगती फ्लटरशाय? तो अब क्या कहती हो फ्लटरशाय, तुम उन बैट्स पर अपनी नजर का इस्तेमाल करोगी या नहीं? ठीक है, मैं करती हूँ। सही फैसला किया। मैं जानती थी तुम उन गंदे बैट्स की साइड नहीं लोगी। वो गंदे नहीं है। सबको मेरे तरफ से साइडा। रुक जाओ रेनबो डैश, पहले पंखों वाले बैट्स को एक जगह इकट्ठा करो, वक्त बहुत कम है। शाबाश पोनीज, लगता है हमने उन सबको पकड़ लिया है। अब बस तुम्हें इस्तेमाल करना है अपनी नजर का। मैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ठीक है? मेरा ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे।
बढ़िया, अब तुम्हारी बारी ट्वाइलाइट। ठीक है। अब तुम नजरों का इस्तेमाल बंद कर सकती हो। काम बन गया। ये पता लगाने का बस एक ही तरीका है। मेरी फसल बच गई। यूहू! अब हम पूरी सर्दियों में साइडर पी पाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है एप्पल जैक, मुझे मदद करके खुशी हुई। अब बस हमें इस कचरे को साफ करना है ताकि मैं कल सुबह फिर से एप्पल्स तोड़ सकूं। एप्पल बकिंग डे टेक टू। अब वक्त है उन मीठे रस भरे एप्पल्स को तोड़ने का। मेरे जादू ने काम नहीं किया। बेशक तुम्हारे जादू ने काम नहीं किया। मुझे लगता है हमें कुछ और आजमाना होगा। मैं समझ गई एप्पल जैक, आ जाओ पोनीज, चलो चलकर उन वैम्पायर बैट्स को ढूंढते हैं। एक मिनट रुको, मुझे नहीं लगता मेरे एप्पल्स का रस चूसने वाले बैट्स ये हैं। पर अगर वैम्पायर बैट्स तुम्हारे एप्पल्स नहीं खा रहे हैं तो फिर वो कौन है? फ्लटरशाई, तुम जानवरों के मामले में एक्सपर्ट हो, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो ऐसा कौन कर सकता है? माफ करना, मुझे नहीं पता। वेल, पता लगाने का फिर एक ही तरीका है, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। और वो हम सब कैसे करेंगे? पहरा देकर। रात का सबसे डरावना वक्त। शायद हमें ये काम यहीं रोकना होगा। तुम सबका तो पता नहीं पर मुझे तो बहुत बहुत भूख लगी है। ओह फ्लटरशाई, सब ठीक हो जाएगा। भूलो मत डार्लिंग, हम सब इसमें एक साथ हैं। सही कहा, जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते कोई बगीचे को छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है पोनीज? ठीक है। सब पोनीज के पास अपने अपने सिग्नल्स हैं ना? अब याद रखना पिंकी पाई, सिग्नल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दे। समझ गई, जब कुछ अजीब दिखाई दे। तुम क्या कर रही हो? ठीक है, अब सब लोग अलग अलग हो जाओ, हम सब बगीचे में एक एक लाइन की तलाशी लेंगे। मेरे एप्पल्स को बर्बाद करने वाला वो जो कोई भी हो, उसे यही कहीं होना चाहिए। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अजीब। वो एप्पल कितना मीठा और रस भरा लग रहा है। वो क्या था? अजीब है। वक्त है पूरी सिग्नल इस्तेमाल करने का। कौन है वहाँ? मुझे उस आसमान में उड़ती हुई परछाई के बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। या शायद जरूरत है, मुझे जाकर देखना चाहिए कि रेनबो डैश क्या कर रही है। कौन है वहाँ? जवाब दो मुझे वरना पछताओगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये लो और ये भी, ये लो। तुम एक स्केयरक्रो? ओह।
एप्पल जैक, क्या बात है? अजीब चीज। फ्लटरशाय? योहू, फ्लटरशाय! वो फ्लटरशाय नहीं है, वो तो फ्लटर बैट है। हमें उसे वहाँ से नीचे उतारना होगा। हमारी प्यारी फ्लटरशाय, प्लीज नीचे आ जाओ और वैम्पायर बैट बनना बंद कर दो। फ्लटरशाय, ये मैं हूँ रेनबो डैश। तुम ये बैट होने का नाटक बंद करके नीचे क्यों नहीं उतरती? शायद हमें उसके नीचे उतरने का इंतजार करना चाहिए। फ्लटरशाय आ रही है, अपनी जान बचाकर भागो। पिंकी पाई, शांत हो जाओ। देखा, वो वापस आ गई है अपनी डाल पर। वो बस मौका देख रही है सही वक्त पर हमला करने का। पिंकी पाई, बैट्स पोनीज नहीं खाते, वैम्पायर बैट्स भी नहीं। पर शायद वैम्पायर पोनीज दूसरी पोनीज को खाती होंगी। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेने वाली। आखिर ये हुआ कैसे? मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये हमारी वजह से हुआ है। हमारी गलती? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, तो ये मैं हूँ, ये बैट्स हैं और ये है फ्लटरशाय अपनी नजर का इस्तेमाल करती हुई। जादू का असर बैट्स पर कुछ इस तरह होना चाहिए था, पर लगता है किसी तरह जादू उल्टा पड़ गया। इसने वैम्पायर फ्रूट बैट्स की एप्पल्स खाने की इच्छा को खत्म कर दिया और इस इच्छा को फ्लटरशाय में ट्रांसफर कर दिया। कम ऑन, हमें जादू को उल्टा करके सब कुछ ठीक करना है। हाँ, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलकर फ्लटरशाय को बचाते हैं, इससे पहले वो हमें खा जाए। संभल के! उस बैट का पीछा करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने उसे खो दिया। ओह फ्लटरशाय, कहाँ हो तुम? संभल कर! अगर वो ऐसा करती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे बस मेरी दोस्त वापस चाहिए। हमें वो कभी नहीं मिलेगी अगर हमने उसे घेर कर पकड़ा नहीं ताकि मैं जादू को उल्टा करूं। वो वहाँ है, वो उड़ गई। ओ, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अब उसे पकड़ने का एक ही तरीका है, हम उसे अपने पास आने के लिए किसी चीज का लालच देते हैं। पर अगर हम उसे अपने करीब ले भी आए तो क्या हम उसे उतनी देर तक रोक पाएंगे जितनी देर तुम जादू को उल्टा कर सको? काश हम फ्लटरशाय से फ्लटर बैट पर अपनी नजर का इस्तेमाल करवा पाते। ये हुई ना बात। ओके, चलो चलकर अपनी दोस्त को वापस लाते हैं एक्शन स्टेशंस। एप्पलूसा स्टेट फेयर में जीतने वाले एप्पल का सफर यहीं तक था क्या? वो आ रही है। तुम ठीक हो गई। पर मुझे हुआ क्या था? तुम एक वैम्पायर पोनी में बदल गई थी। मैंने पोनीज को खाने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं एक वैम्पायर नहीं थी? हाँ,
ना? हाँ मतलब थी या हाँ मतलब नहीं थी? हाँ तुम थी। पर मैंने पुलिस को खाने की कोशिश की? हाँ मैंने की। नहीं मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं भी, और मैं वही थी। फ्लरिशाई प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी। और भूलना मत, अब तुम्हें वो बीज मिलेंगे जो और भी बड़े और बेहतर एप्पल्स उगाएंगे। क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, और भी ज्यादा साइडर। ओके, मैंने जादू के बारे में लिख दिया है। फ्लटरशाई बैट में बदल गई थी, फिर उसके लिए घर बनाया। और ध्यान रहे कि तुम ये भी लिखो कि कैसे मेरा जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत साबित हो गया। और हमें कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमारा दिल राजी ना हो। कभी कभी हमारे करीबी दोस्तों को भी कहना पड़ता है नहीं। और अब क्यों ना हम अपनी पक्की दोस्ती का जश्न मनाए एक अच्छे पके हुए और रस भरे एप्पल के साथ। पीछे हट जाओ, मैं इसका रस पीना चाहती हूँ। <laughs> <laughs>